हेलो रेल फैंस दोस्तों, आज हम लोग एक जर्नी करने वाले हैं टू शियालदह जंक्शन। दोस्तों हम लोग शियालदह तक जर्नी करने वाले हैं। अभी हम लोग चंदन नगर से ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग सोच रहे हैं शियालदह नामखाना लोकल से हम लोग बखाली जाएंगे। बखाली आप लोगों को मालूम होगा कि बीच बीच है, बखाली बीच बहुत फेमस है। तो वो साउथ 24 परगना एकदम सुंदरबन के पास लोकेटेड है। हम लोग का प्लान है कि हम लोग आज बखाली जाएंगे फ्रेंड लोग मिल के। देखते हैं, आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर है, 2 दिन छुट्टी है कंटिन्यू। तो देखते हैं कितना भीड़ होगा, क्योंकि जो ट्रेन है लोकल ट्रेन है वो नामखाना तक वो मतलब बहुत ओवरक्राउडेड रहता है नॉर्मल डेज में। आज तो छुट्टी का दिन है, देखते हैं शियालदह तक क्या कंडीशन रहता है। अभी कुछ देर में हम लोग शियालदह पहुंचने वाले हैं डाकपुनी शियालदह लोकल से। दोस्तों रेल फैनिंग एक अलग नशा है, यहाँ पैसा ऐसा वो छोड़ दीजिए वो सब नहीं मिलता मुझे। बट ये जो गेट पे खड़ा होकर जो वीडियो बनाना, खुद एक्सपीरियंस जो कर रहा हूँ आपको शेयर करना, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चीज़ है। अभी हम लोग शियालदह इंटर करने वाले हैं, तो आपको दिखेगा कि शियालदह जंक्शन बहुत बिजी जंक्शन है। हावड़ा जंक्शन जैसा बड़ा नहीं है शियालदह स्टेशन, बट बहुत बिजी है। पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ 24 वर्गना, साउथ 24 वर्गना और नदिया सब डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है शियालदह से। यहाँ से बर्धमान का भी ट्रेन है, यहाँ पे शियालदह में भीड़ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा है, हावड़ा जैसा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है शियालदह का। और दोस्तों यहाँ पे प्लेटफॉर्म का साइज़ भी छोटा है, इसीलिए आपको कुछ लोकल 9 डिब्बे का भी दिखता होगा। जैसे हावड़ा में सब बड़ा बड़ा 12 कोच का गाड़ी होता है, बट ये 9 कोच वाला गाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा तक 9 9 कोच वाला गाड़ी होता है इस रूट में। दोस्तों हम लोग कुछ ही देर में शियालदह के प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 ऐसे टर्न ले रहे हैं, लग रहा है 3 या 4 पे इंटर कर रहे हैं। और हम लोग के बगल में जो विलेज भी खड़ा है, वो विलेज भी पार्सल वैन देख सकते हैं, पार्सल वैन खड़ा है। भाई कोई अगर आप शियालदह से हो प्लीज़ बुरा मत मानना, बट ये जंग स्टेशन बहुत बहुत गंदा है यार, इतना वेस्ट, कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। आप रैक के बगल में देखो कितना गंदगी है, कितना गंदगी है। अभी आप कहोगे कि गंदगी तो पब्लिक करता है, यहाँ शियालदह का क्या गलती है। पर दोस्तों हावड़ा में तो इससे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, बट गंदगी कम रहती है वहाँ पे। वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट प्रॉपरली इंडिकेट होता है ना, तो यही है दोस्तों, इतना वेस्ट है। जब देखो बगल में इंप्रेशन ही ख़राब रहता है ना, बाहर से कोई आएगा तो ये वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा हेडेक है यार, बहुत बड़ा हेडेक है। आप लोग क्या सोचते हो, आपको कमेंट बताइए। दोस्तों सामने से ट्रेन आ रही है, रामनगर तक जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं डीजल इंजन जो शियालदह की तरफ जा रही है, दूसरा कोई ट्रेन को भी करके शियालदह जाएगी।
दोस्तों, आप स्वच्छ भारत को मानते हो या निर्मल बांग्ला को मानते हो, मेरी बड़ी बात नहीं, बट मेरे हिसाब से सियालदह स्टेशन में साफ सफाई में स्ट्रिक्ट होना चाहिए और फाइन भी इम्पोज करना चाहिए क्योंकि गंदगी चल रहा है, या कॉपर वेस्टन पे कोई अगर ध्यान ना दे उसको फाइन कीजिए ना। ये गंदगी ये प्रोसेस बढ़ेगा और बढ़ेगा, जनसंख्या जैसे बढ़ रहे और उससे बढ़ेगा। दोस्तों हम लोग के लेफ्ट साइड में दार्जिलिंग मेल खड़ा है, सुबह पहुँच जाते हैं उसके अंदर तक, अभी पहुँचा है, दार्जिलिंग मेल खड़ा है। दोस्तों जिस तरफ हम लोग का ट्रेन मुड़ रहा है राइट के राइट साइड में, हम लोग को लग रहा है कि ये हम लोग को 1, 2, 3 या 4 नंबर तक मिल जाएगी। साहब क्या भीड़ है दोस्तों, जो सियालदह जिसके लिए जाना जाता है देख सकते हैं, सुबह के अभी 7 भी नहीं बजा है बट कितना भीड़ है। मुझे लगता है ये कनेक्टिंग ट्रेन जो है ना, अभी जो दार्जिलिंग में पहुँचा है सबको कनेक्ट कर रहे हैं ट्रेन से, तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और अभी हम लोग सियालदह के साउथ सेक्शन की तरफ, और एक आ गया गांडू साउथ सेक्शन की तरफ जाना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सियालदह नाम खाने लोकल बोर्ड पर हैं। मेरे साथ और भी 4 मित्र लोग हैं, देखते हैं हम लोग बोर्ड कर पाते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ 2 भाई हैं उनको चलने में थोड़ा दिक्कत है, देखते हैं लिस्ट। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से वेस्ट बंगाल का रैंक नंबर 1 है, कोई और चीज़ नहीं है मुझे मालूम नहीं, बट पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है रहा है, और इनका पॉपुलेशन में भी कंफाइंड है कलकत्ता में, तो सियालदह में आप भीड़ देख सकते हैं सुबह के 7 भी नहीं बजे हाँ भीड़ है। अभी हम लोग साउथ सेक्शन में जाएंगे, साउथ 24 रेजिडेंस और नॉर्थ 24 रेजिडेंस दोनों हाईली पॉपुलेशन में, पर्टिकुलरली नॉर्थ 24 रेजिडेंस बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी जा रही है। हम लोग अभी साउथ सेक्शन के बारे में डिस्कस सेक्शन में जाएंगे, जिससे लोग ट्रेन बोर्ड करेंगे सियालदह नाम खाने लग पाए, जनरली 14 या 15 नंबर पर ट्रेन पे ट्रेन आती है, ऑलरेडी 16 नंबर पर ट्रेन खड़ा है तो उसके लिए वो नहीं है।
मेरे 90% लोग नामखाना लोकल के लिए वेट कर रहे हैं। देखिए अभी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है और सब लोग भाग रहे हैं। सामने देखिए लेडीज़ गिर भी गए, किसी गिर गया था लेडीज़, बहुत लगातार अभी हो रहा है स्टेशन में। तो ऐसा कंडीशन है, मेरा फ्रेंड लोग पीछे रह गया है, जैसे तैसे घुस रहा हूँ, लग रहा है फिर भी घुस रहा हूँ। हो सकता है ट्रेन को बोर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि आज मैं बता ही चुका हूँ कि 24 दिसंबर है। 25 दिसंबर में मतलब छुट्टी हो गई दो दिन, तो सभी लोग बंगाली, हम लोग बंगाली है दोस्तों, हम लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। आपको बंगाली टूरिस्ट हर जगह दिख जाएंगे, इसलिए छुट्टी का दिन में आप कोई टूरिस्ट स्पॉट खाली आपको नहीं मिलेगा। मेरे फ्रेंड लोग काफ़ी पीछे रह चुके हैं, ट्रेन हालांकि अभी तक नहीं आया। सिचुएशन ऐसे है कि दोस्तों हम लोग 4 लोग हैं, 4 लोग किसी को छोड़ के एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। करेंगे तो एक साथ, उतरेंगे तो एक साथ। अगर लोग नहीं आएंगे तो हो सकता है हम लोग जो जर्नी है वो यहीं स्टॉप कर देंगे दोस्तों। जर्नी एंड, सॉरी।